तो गाइस पोकेमोन की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एश ने अब तक अपनी जर्नी में कई सारे पोकेमोन्स पकड़े हैं, पर इन पोकेमोन्स के साथ उसे कई सारी हार्ड बैटल्स करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। और आज हम इसीलिए बात करने वाले हैं टॉप 5 पोकेमोन्स की, जो कि एश के पास होने ही चाहिए अगर उसे एक पोकेमोन मास्टर बनना है। ये लिस्ट कम्प्लीटली मेरे ओपिनियंस पर बेस्ड है, सो अगर आपके पास कोई और लिस्ट है तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही साथ अगर आपको ये लिस्ट पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको ऐसे ही ऑसम कंटेंट पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जैसे कोई मेरी नई वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और बस शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं नीडोकिंग के साथ। जनरेशन 1 से ही नीडोकिंग एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और पॉपुलर पोकेमोन रहा है, और जब ये एनिमे में गैरी के पास दिखाया गया तो फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, पर गैरी ने इसके बदले नीडोकिंग को बैटल्स में ज्यादा यूज किया। सो ऐसा लग रहा था कि शायद एश खुद के लिए एक नीडोकिंग पकड़ ले, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सो अगर एश इस शक्तिशाली पोकेमोन को पकड़ लेता तो उसके पास एक पॉइजन और ग्राउंड टाइप पोकेमोन होता, जो कि उसकी चैंपियन लीग में बहुत ही ज्यादा मदद करता। ये पोकेमोन कई सारे ऑसम मूव्स भी सीख सकता है, जैसे कि थ्रैश, डबल किक, अर्थक्वेक और मेगा हॉर्न। सो सच में अगर एश को एक पोकेमोन चैंपियन बनना है तो उसके पास ये पोकेमोन जरूर होना चाहिए। नंबर 4, एम्पोलियन। जनरेशन 4 में हमें इंट्रोड्यूस किए गए थे कुछ बेहतरीन स्टार्टर पोकेमोन, जो कि थे चिमचार, टर्टविग और पिपलब। सो इस जनरेशन में एश के पास थे टर्टविग और चिमचार, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोकेमोन थे, और इसीलिए एश ने उन्हें उनके लास्ट फॉर्म तक इवॉल्व किया था। पर एक पोकेमोन जो कि एश के पास जरूर होना चाहिए था वो था पिपलब। अगर पिपलब एश की टीम को ज्वाइन कर लेता तो वो सच में इस टीम में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता। इससे एश की टीम एक वेल डाइवर्स टीम बन जाती और एश के पास तीनों स्टार्टर पोकेमोन्स होते सिनो रीजन के। और अगर पिपलब एम्पोलियन में इवॉल्व हो जाता तो एश की टीम एक बहुत ही पावरफुल टीम बन जाती, और शायद इन तीनों की मदद से एश चैंपियन भी बन जाता। एम्पोलियन वैसे तो कई सारे ऑसम मूव सीख सकता है, जैसे कि हाइड्रो पंप, ड्रिल पैक, वाटरफॉल, सर्फ और गीगा इम्पैक्ट। सो सच में अगर एश को एक चैंपियन बनना है तो उसके पास ये पोकेमोन जरूर होना चाहिए। ये पोकेमोन एक वाटर एंड स्टील टाइप पोकेमोन है, जो कि एश को कई सारे सिचुएशंस में हेल्प कर सकता है। नंबर 3, हंटर। हंटर एश के साथ एक एपिसोड में दिखा था, पर वो कभी उसकी टीम का एक ऑफिशियल हिस्सा नहीं था। सो अगर एश इस हंटर को पकड़ लेता तो वो उसका पहला गोस्ट टाइप पोकेमोन होता, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा ऑसम होता। ये पोकेमोन सच में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है, जो कि एश को कई सारे टफ सिचुएशंस में मदद कर सकता था। और ये पोकेमोन इवन टोबियस के लैटियस के सामने भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता, क्योंकि लैटियस पर गोस्ट टाइप बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये पोकेमोन कई सारे ऑसम मूव्स भी सीख सकता है, जैसे कि शैडो बॉल, शैडो पंच, डार्क पल्स और भी कई सारे। सो सच में अगर एश को एक चैंपियन बनना है तो उसके पास ये पोकेमोन जरूर होना चाहिए, और अगर वो एक ट्रेड कर पाया तो वो इस हंटर को गेंगार में भी इवॉल्व करा सकता है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है। नंबर 2, ग्लेसियन। एश ने अपनी जर्नी में अब तक एक भी ईवी नहीं पकड़ा है, और कई सारे फैंस ये चाहते हैं कि एश के पास भी एक इवोल्यूशन हो। सो अगर एश एक ईवी को पकड़ता है तो उसे उस ईवी को एक ग्लेसियन में इवॉल्व जरूर कराना चाहिए। ग्लेसियन एक आइस टाइप पोकेमोन है, जो कि एश को कई सारे सिचुएशंस में हेल्प कर सकता है। एश के पास अब तक कुछ अच्छे आइस टाइप पोकेमोन्स नहीं आए हैं, सो अगर एश के पास एक ग्लेसियन आ जाए तो उसकी टीम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। ये पोकेमोन कई सारे ऑसम मूव्स भी सीख सकता है, जैसे कि ब्लिजर्ड, आइस फैंग, आइस शार्ड और लास्ट रिजॉर्ट। आइस टाइप पोकेमोन ड्रैगन टाइप पोकेमोन के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, सो अगर एश को ड्रैगन टाइप पोकेमोन्स को इजीली हराना है तो उसके पास एक ग्लेसियन जरूर होना चाहिए। और सच में अगर एश एक ईवी को पकड़ के एक ग्लेसियन बनाता है तो उसकी टीम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। और फाइनली नंबर 1 पर है लुकारियो। लुकारियो सच में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है, और इस पोकेमोन को ऑरा गार्डियन के नाम से भी जाना जाता है। लुकारियो और एश को हमने साथ में एक पोकेमोन मूवी में देखा था, जो कि थी लुकारियो एंड द मिस्ट्री ऑफ म्यू। इस मूवी में एश और लुकारियो का बॉन्ड सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा था, और अगर एश को मौका मिलता है तो उसे डेफिनेटली एक लुकारियो को पकड़ना चाहिए। ये पोकेमोन ना सिर्फ एक पावरफुल पोकेमोन है, बल्कि उसकी टीम में एक बहुत ही बढ़िया मेंबर भी बन सकता है। ये पोकेमोन कई सारे ऑसम मूव्स भी सीख सकता है, जैसे कि हाइपर बीम, क्लोज कॉम्बैक, डार्क पल्स और ऑरा स्पीयर।
सो अगर आशीष पोकेमोन को पकड़ लेता है तो उसके पास एक फाइटिंग और स्टील टाइप पोकेमोन आ जाएगा, जो कि सच में उसकी टीम को एक बहुत ही बढ़िया टीम बना देगा। और डेफिनेटली ये पोकेमोन ऐश को कई सारे सिचुएशंस में मदद करेगा। सो अगर ऐश को सच में एक पोकेमोन मास्टर बनना है तो उसके पास ये पोकेमोन जरूर होना चाहिए। सो ये रहे टॉप 5 पोकेमोन जो कि ऐश के पास जरूर होने चाहिए अगर उसे एक पोकेमोन मास्टर बनना है। ये लिस्ट कम्प्लीटली मेरे ओपिनियंस पर बेस्ड है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इस लिस्ट से आप अग्री करते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और अगर आपके पास कोई और लिस्ट है जो कि आप मुझे बताना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जैसे कोई नई वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। सो मैं मिलूंगा आपको ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज डी एंड आई एम साइनिंग आउट। बाय।